बताओ भाई तुम करो। सारे बच्चों का स्वागत बेटा, वेलकम आज की क्लास दे विच जी आया नू। ते बेटा आज आप जो है चर्चा करनी है अपने भारत के भूगोलिक वंड का जो लास्ट अपनी कड़ी है, तट दे मैदान अते दीप समूह। हाँ जी, तट दे मैदान अते दीप समूह। अज थोड़ी बड़ा जगह बदली की करनी पी मैनू। तो हाँ जी बेटा, इस तो पहला बेटा आप गल कर चुके हाँ हिमालय पर्वत की वंड, मैदाना की वंड, प्रायद्वीपी खेत्र की वंड। ओके, ते आज जो अपना लास्ट है तट दे मैदान ते अपने दीप समूह बेटा। ते आओ आप उपर चर्चा करते हाँ। जी दो चीज बेटा आप गल करांगे, एक तो जो है तट दे मैदान अते दीप समूह। ठीक है जी, पहला आप जो हम चलते हाँ कि साढ़े जेडे तट दे मैदान ने उन्होंने उपर आप गल करनी है बेटा। तट दे मैदान, हाँ जी आवाज बेटा आ रही है सारे नू? ओके थैंक यू बेटा। चलिए तट दे मैदान उपर तुम बेटा मैं लै चलता हाँ। हाँ जी, तट दे मैदान बेटा जेडे साडे कोल मेन हैगे ने दो तरह दे, एक अपने पछमी तट दे मैदान ते एक अपने पूर्वी तट दे मैदान। ये दो ने बच्चे नोट करन, पछमी तट दे मैदान अते पूर्वी तट दे मैदान बेटा। हाँ जी, पछमी तट दे बेटा जो मैदान ने अपने कोल ये हैगे ने कच्छ तो लैके कन्याकुमारी तक। कच्छ बेटा जिहड़ा गुजरात दे विच है ना, ते गुजरात तो आपां चलदे आं थले कन्याकुमारी तक। ते इन्हां जो है मैदानां नूं असीं कहिंदे आं पछमी तट दे मैदान बेटा। और ये जिहड़े एवरेस्ट बेटा 65 किलोमीटर दे लगभग चौड़े मैदान ने, 65 किलोमीटर बेटा। ठीक है जी, कच्छ तो लैके कन्याकुमारी तक जो मैदान ने असी उन्हां नूं पछमी तट दे बेटा मैदान कहने आ। और पछमी तट दे मैदानां नूं असी अगे बेटा कुछ भागां च वंडिया है। देखो सब तो पहले है गुजरात दा तटवर्ती मैदान, फिर कोंकण दा तटवर्ती मैदान, फिर कर्नाटक जां मालाबार दा तटवर्ती मैदान, ते सब तो लास्ट बेटा केरल दा तटवर्ती मैदान। ऐसे करके इन्हां नूं बेटा सेम कलर विच दिखाया गया ताकि तुहानूं कोई दिक्कत ना होवे। पछमी तट दे मैदानां नूं बेटा चार भागां च वंडिया, ते आओ आपां एक एक करके जो है गल करिए। सब तो पहले जिहड़ी है आपां गल करदे हैगे आ पछमी तट दे मैदान दा, जो साडा है अपने गुजरात दा तटवर्ती मैदान बेटा। हुण देखो ये जिहड़ी अपने गुजरात दा मैदान है पछमी तट दे उत्तर विच कच्छ तो खंबात की खाड़ी तक 400 किलोमीटर की बेटा की लंबाई है।
कच्छ तो खंबात की खाड़ी तक, यह जो मैदान है असि इन कहने गुजरात का तटवर्ती मैदान बेटा। ओके, हम यह बनिया कि देखो ए नदियां ने साबरमती, माही, लूनी ते तापी। साबरमती, माही, लूनी ते तापी नदियां द्वारा जो लियांदी गई जिहड़ी मिट्टी है, जो जलोड़ है बेटा, उहदे जमा होण दे नाल इह गुजरात दा तटवर्ती मैदान बनिया बेटा। ते इह बड़ा आसान है, तुसीं सारे बच्चे नोट कर लो कि जो गुजरात दा मैदान है बेटा, तटवर्ती मैदान, साबरमती, माही, लूनी ते तापी नदियां दे जलोड़ दे जमा होण दे नाल इह मैदान बनिया है। ते कच्छ तो खंबात तक जो है इह फैलिया होया जी, 400 किलोमीटर की लंबाई है। लो जी, ये अपना हो गया गुजरात का तटवर्ती मैदान। हुण आपां अगे चलते हाँ, कोंकण का तटवर्ती मैदान बेटा, ये काफी मशहूर भी है बेटा, कोंकण का तटवर्ती मैदान। ये बेटा दमन तो गोवा तक तकरीबन 500 किलोमीटर लंबा है। ये दमन तो गोवा तक दे मैदान नूं असी कोंकण दा तटवर्ती मैदान कहने आ जी। हाँ जी बच्चे बड़ा नोट कर लो सारे, दमन तो गोवा तक। दमन बेटा जो अपना यूटी हैगा, ते तुहाडी मैं जानकारी वास्ते दस दिया कि पहले दादरा ते नगर हवेली ते दीव अते दमन ये वखरे वखरे केंद्र शासित प्रदेश सन, लेकिन हुण बेटा अपने 26 जनवरी 2020 तो भारत सरकार ने इन्हां दोनों नूं एक ही बना दिता है। ते हुण इहदा नाम दादरा ते नगर हवेली अते दीव अते दमन है बेटा, ते जिहड़ी इहदी राजधानी है वह दमन है। ओके, ते दमन तो गोवा तक जो मैदान है असीं नूं कहने आ कोंकण दा तटवर्ती मैदान। ते जिहड़ी मुंबई है बेटा, जिहड़ी प्रसिद्ध बंदरगाह है, ਉਹ ਐਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਂਕਣ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ, ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਕੋਂਕਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਾਵਲੀ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਾਵਲੀ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੋਂਕਣ ਨੂੰ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਮੁੰਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਬੇਟਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੰਗ ਖਾੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਟਾਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਬਰਮਤੀ, ਮਾਹੀ, ਲੂਨੀ ਤੇ ਤਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲੋੜ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਟਾਹ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਖਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਂਕਣ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਂ ਮਾਲਾਬਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਓਕੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਬੇਟਾ ਮਾਲਾਬਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੋਵਾ ਤੋਂ ਮੈਂਗਲੋਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 225 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਗੋਵਾ ਤੋਂ ਮੈਂਗਲੋਰ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੱਛ ਤੋਂ ਖੰਬਾਤ ਤੱਕ, ਤੇ ਕੋਂਕਣ ਹੋ ਗਿਆ ਦਮਨ ਤੋਂ ਗੋਵਾ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗੋਵਾ ਤੋਂ ਮੈਂਗਲੋਰ ਤੱਕ, ਤਕਰੀਬਨ 225 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ ਆ ਮਾਰਾਮਗਾਓ, ਮਾਂਡਵੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਵਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਚੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਡੈਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਚੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਮਗਾਓ, ਮਾਂਡਵੀ, ਸ਼ਰਾਵਤੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ
समुद्री पानी विच डुबे हुए मुहाने मिलते ने कर्नाटक या मालाबार के तटवर्ती मैदान के विच यानी कि एसुरी जिथे मिलदियां ने बेटा तुसी बस विच मेन आही गल करनी है कि जी जो नदियां ने शरावती है मांडवी है और मारमंगाओ है इन्हों नदियों के जेडे समुद्री पानी अंदर जो मुहाने ने जो एसुरी सगिया ने वह मिलदिया ने ये गोवा तो मंगलोर तक है। जी हुण आपां बेटा लास्ट करदे हाँ केरल का तटवर्ती मैदान केरल केरल तुहानू पता है बेटा कि जिहड़ा अपने भारत का सब तो वध पढ़िया लिखा राज है केरल जो सब तो ज्यादा साखरता दर है अपने भारत दे विच तां वह केरल है। ते केरल का जिहड़ा तटवर्ती मैदान है बेटा ये मैदान मैंगलोर तो कन्याकुमारी तक तकरीबन 500 किलोमीटर लंबा बेटा मैंगलोर तो कन्याकुमारी तक ये आपां सारा हिस्सा कर लिया ना बेटा। हाँ जी 500 किलोमीटर की लंबाई है एदा मतलब यह होया कि कोंकण का जो तटवर्ती मैदान और केरल का इन्हों की जो लंबाई है बेटा वह लगभग बराबर है 500 किलोमीटर लंबे ने ते केरल दे विच जो केरल का बेटा तटवर्ती मैदान है उस मैदान दे विच जो सब तो वड्डी झील जिहदा नाम है वैबानंद झील ये बच्चे नोट कर लो ध्यान नाल वैबानंद जिहड़ी झील है ये केरल दे तटवर्ती मैदान च है और ये सब तो वड्डी झील है बेटा ते इस मैदान दे विच होर भी बहुत सारिया झीलां लैगून झीलां मिलदियां ने ते जिन्हां नूं स्थानक भाषा दे विच क्याल किया जांदा है बेटा क्याल ओके आप ना क्याल ते केरल दे तटवर्ती मैदानां विच झीलां नूं स्थानक भाषा विच कहने आ क्याल ते ये तुहानूं क्वेश्चन भी पुछ सकदे ने वी हेठ लिखियां विचों किहड़ा किहड़ी झील है बाबर बांगर तराई क्याल ते ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਪਾਓਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਕਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਝੀਲ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕੋਂਕਣ ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਂ ਮਾਲਾਬਾਰ ਤੇ केरल का तटवर्ती मैदान ठीक है जी ये होर आप मेन गुजरात के मैदान जोड़ा है नदियों द्वारा बटा लिया गई जलोड़ द्वारा बने कोंकण का जोड़ा मैदान है समुद्री लहर द्वारा बने और कर्नाटक ज मालाबार का जो मैदान है ये आ जड़िया ने मारमगाओ मांडवी तो शरावती नदियों के एस्टरी तो बनया बेटा ते केरल का जो तटवर्ती मैदान है ये काफ़ी झीलों ने वैबानंद झील सब तो वड्डी है ते झीलों नूं स्थानक नाम जिहड़ा हैगा वह है केयाल ओके जी। हुण आपां मुड़दे हां बेटा पछमी तट तो तुहानूं मैं सैर कराना पूर्वी तट की बेटा पछमी तट तो पूर्वी तट की बेटा कई बच्चे कह रहे ने कि आवाज नहीं आ रही जेकर बेटा मेरी आवाज आ रही है तो यू कैन राइट यस ओके थैंक यू बेटा जिन्ना बच्चों में बेटा आवाज नहीं आ रही वो अपना वॉल्यूम थोड़ा उच्चा कर लें ओके ओके गुड गुड थैंक यू बेटा। हाँ जी हुण तुहानूं बेटा मैं सैर कराने लग्या हाँ पूर्वी तट दे मैदान ते आओ तुहानूं घुमावां मैं सारा भारत अज पूर्वी तट दे मैदान नूं बेटा
जो देखो पूरब के जिहड़े मैदान ने पूर्वी तट दे, ये पछमी बंगाल उड़ीसा तो लैके कन्याकुमारी तक फैलिया हुआ है बेटा। ठीक है जी, पछमी बंगाल के नीचे जो है अपने उड़ीसा बेटा, उड़ीसा तो लैके कन्याकुमारी तक तकरीबन 2000 किलोमीटर लंबाई है पूर्वी तट के मैदान की। 2000 दे किलोमीटर जो है लंबा है, और ये जो है पूर्वी तट का मैदान बनया है गोदावरी, कावेरी, महानदी, कृष्णा, ठीक है, इन्होंने नदियों द्वारा लिया गई जो जलोड़ है उस दे जमा होने बेटा बनया है। हाँ जी, गोदावरी, कावेरी, महानदी, कृष्णा बेटा। और पूर्वी तट के मैदान की जी प्रसिद्ध झील है बेटा पुलिकट झील, पुलिकट, ठीक है जी, ये नोट कर लो सारे बच्चे। केरल का सी जो केरल के मैदान की वैबानंद, पूर्वी तट के मैदान की पुलिकट झील, पुलिकट। और ये एक झील बेटा होर है जिड़ी कि भारत की सब तो वड्डी झील है, और वो हैगी है अपने उड़ीसा दे विच, खारे पानी की झील है बेटा, उदा नाम है चिल्का झील, चिल्का जी। ये छोटे छोटे बेटा क्वेश्चन ने, मान लो तुम क्वेश्चन आ जाते कि चिल्का झील बारे तुम की जानते हो, तो लिख दियो कि जी जो चिल्का झील है ये भारत के पूर्वी तट के मैदान में है, और ये भारत की सब तो वड्डी झील है, खारे पानी की झील है, और उड़ीसा दे विच है, उड़ीसा राज दे विच। दैट्स इट जी। आगे होना पर चलिए बेटा, पूर्वी तट के जिहड़े मैदान ने इन्हों उड़ीसा दे विच जो नाम दिता गया है उत्कल, उत्कल दे मैदान बेटा उड़ीसा दे विच, जो आप राष्ट्रीय गान करते हैं ना द्राविड उत्कल बंग विंध हिमाचल यमुना गंगा, ये सारे जो है भारत की ही महिमा गाई गई है, तो उत्कल दे जिहड़े मैदान ने पूर्वी तट के मैदान उड़ीसा के बच्चे कहने इन्हों उत्कल दे मैदान। मैं पूछ लेना जे वापस से तो मैं आपा करनी है दोहराई, तो जे किसी बच्चे ने गलत दसा ना फिर उसकी खैर कोई नहीं, मैं दस दिया जी। होर आप चलिए, कृष्णा नदी दे डेल्टे ते जो कन्याकुमारी तक जो एदा नाम है बेटा पूर्वी तट के मैदान का, असू कहने कोरोमंडल तट बेटा, भारत के पूर्व वाले पासे कृष्णा नदी के डेल्टे तो लैके कन्याकुमारी तक जो है असी इन कहने कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ठीक है जी। ये आप जो है मेन मेन किया है तट के मैदान, क्योंकि तट तो अपने को दो ही नहीं बेटा, पश्चिमी तट के मैदान ने और पूर्वी तट के मैदान ने, और ये थोड़े सामने है पूर्वी तट के मैदान में असी दो झीलां लभियां ने, एक पुलिकट झील, एक चिल्का झील, और गोदावरी, कावेरी, महानदी ते कृष्णा, इन्हां नदियां दे जिहड़ा है जलोड़ दे जमा होने कारण ये साडे मैदान बने ने पूर्वी तट दे। ते कृष्णा नदी दे डेल्टे तो कन्याकुमारी तक असी इन्हों कहने कोरोमंडल तट, और उड़ीसा विच कहने पूर्वी तट के मैदान नू उत्कल दे मैदान, ठीक है बेटा। ये सी अपना तट दे मैदान। हुण अपनी जो है लास्ट डिविजन आप चल रहे हैं भारतीय द्वीप समूह, जेडे साडे आईलैंड्स ने बेटा उन्हां दी आप गल करांगे रू, ये अपना अखीरला टॉपिक होएगा भारत के तरातल की वंड बारे जी।
ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 267, 267 ਬੇਟਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਟਾਪੂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਟਾਪੂ। ਤੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੱਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਟਾਪੂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਚਾਰ ਨੇ। ਦਿਊ ਦੀਪ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਲ, ਦਿਊ ਦੀਪ, ਨਿਊ ਮੂਰ ਦੀਪ ਬੇਟਾ, ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਨਿਊ ਮੂਰ ਦੀਪ, ਨਿਊ ਮੂਰ ਦੀਪ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਡੈਲਟੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਮੂਰ ਦੀਪ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਡੈਲਟੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਲੀਫੈਂਟਾ ਦੀਪ, ਐਲੀਫੈਂਟਾ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਿਲਕਾ ਝੀਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਸਰਾ ਦੀਪ, ਪਾਸਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਟਾਪੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਈਲੈਂਡਸ ਕਹਿ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਦਿਊ ਦੀਪ ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਲ, ਨਿਊ ਮੂਰ ਦੀਪ ਗੰਗਾ ਦੇ ਡੈਲਟੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਐਲੀਫੈਂਟਾ ਦੀਪ ਮੁੰਬਈ ਕੋਲ, ਔਰ ਪਾਸਰਾ ਦੀਪ ਚਿਲਕਾ ਕੋਲ। ਚਿਲਕਾ ਝੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਟਾਪੂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਟਾਪੂ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਟਾਪੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੇ ਉਹ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੀਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੀਪ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਹੋ ਆਈਏ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ। ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 204 ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 204, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੋਬਾਰ ਹੈ ਇਹ 19 ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਪੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, 19 ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਡਲ ਪਹਾੜ, ਸੈਡਲ, ਸੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਸੈਡਲ, ਸੈਡਲ ਪਹਾੜ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੋਡਬਿੰਦ ਆਸਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਖਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਧੂਪਗੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਡਲ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਸ ਇਹੀ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਧੁਰ ਦੱਖਣੀ ਜੋ ਸਿਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧੁਰ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਦੀਪ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਐਸੇ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੀ। ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਬੇਟਾ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨਾ 34 ਕੁ ਦੀਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, 34 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਬਣਾਇਆ।
तीन पार्ट ने, जिहड़ा दा उत्तरी हिस्सा है लक्षद्वीप दा, असी उन्हां नूं कहिंदे आ अमीन दीवी, ते जिहड़ा विचकारला भाग है उहदा नाम है लकादीप, और जिहड़ा थल्ले वाला भाग है बड़ा दखनी हिस्सा, असी उन्हां नूं कहिंदे आ मिनी कोए। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਅਮੀਨ ਦੀਵੀ, ਮੱਧਵਰਤੀ ਹਿੱਸਾ ਲਕਾਦੀਪ, ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਨੀ ਕੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਵਰਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਜੋ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਰਲ ਪਿੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਕੋਰਲ ਪਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਲ ਪਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੋਰਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਹੌਲੀ 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 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੋਰਲ ਪਿੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਤੱਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਦੀਪ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਕੋਰਲ ਪਿੱਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ, ਜੋ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮੀਨ ਦੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਕਾਦੀਪ, ਔਰ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀ ਕੋਏ। ਤੇ 34 ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, 34 ਆਈਲੈਂਡਸ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਕਵਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬੇਟਾ 225 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਗੋਵਾ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗਲੌਰ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ, 225 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ 34 ਦੀਪਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 204 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੀਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟਾਪੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਈਲੈਂਡਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 19, ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੀ 267। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਸਦੀਪ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 267, ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਦੀਪ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ 267 ਨੇ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਹਰਸ਼, ਚਲੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਜਲੀ। ਤੇ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦਾ।
हाँ जी, ये सारे बेटा साढ़े जो है इंडियन आइलैंड्स में, जो भारतीय द्वीप है अरोनी 267 जो है एना दी बेटा संख्या है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा ये है कि असी जो है पश्चिमी तट दे मैदान, सॉरी जो असी भारत दे जिहड़े तट दे मैदान ने, असी उन्हां नूं मेन किन्ने भागां च वंडिया? हाँ जी अंजलि, बिल्कुल सही। नवप्रीत, विकास, गुड, गुरशरण। हाँ जी, हाँ जी, वाह, वेरी नाइस। हाँ, दो तरह के मैदान ने, एक पश्चिमी तट के मैदान ने एक पूर्वी तट के मैदान ने। चलो हम तुसी मैनू दसो बेटा, अगे आप चलते हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो साड़ी मेन जो बंदरगाह है जिड़ी कि बहुत पुराने समय तो ही व्यापार हो रहे हैं, मुंबई, जो मुंबई बंदरगाह है ये केड़े तट दे मैदानां दे विच है? मुंबई बंदरगाह बेटा गुजरात का तटवर्ती मैदान है, कर्नाटक का है, कोंकण का है या केरल का है? हाँ जी, मुंबई जो साड़ी जो प्रसिद्ध बंदरगाह है ये किस तटवर्ती मैदान का हिस्सा है? जी विकास ने सब तो पहले सवाल का जवाब बेटा दिता, नवप्रीत, जसकरण, हर्ष, बहुत अच्छा है बेटा। कोंकण का जड़ा है तटवर्ती मैदान, वह हिस्सा है मुंबई बंदरगाह। चलिए अगला सवाल बेटा मेरा है तुहाडे वास्ते। यस, गोवा तो लेके मंगलोर तक दे जो मैदान नू असी किस नाम दे नाल जानते हाँ? गोवा तो लेके मंगलोर तक जिहड़ा कि 225 किलोमीटर लंबा बेटा। वाह कोमल, वेल डन। लक्ष्मी, बहुत अच्छा बेटा। विकास, गुड। हाँ जी, हाँ जी, अलग। नवप्रीत, बहुत अच्छा है बेटा। शगुन, यस यस। अंजलि, रोहिणी, कृष्णा, गौरव। हाँ जी, कर्नाटक जा मालाबार का मैदान, यार बहुत सुपर है ये सारे। चलिए हाँ जी, एक मैं होर तुहाडे कोल जानना चाहूंगा कि एक झील है बड़ी मशहूर, सब तो बड़ी झील है वैबानंद झील, ये जी वैबानंद झील है ये किस केड़े तटवर्ती मैदान च है? वैबानंद झील, यस, वाह वाह, गुड गुड गुड। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों का बेटा जवाब बिल्कुल सही है, ये जो वैबानंद झील है ये केरल ये जेडे तटवर्ती मैदान है ये ओदे विच है बेटा। हाँ शगुन बेटा बिल्कुल सही है। हर्षप्रीत, केरल, यस, हर्षदीप, बहुत अच्छा। ते एक मैं होर दसो कि कर्नाटक दे विच जड़िया झीलां ने जो लैगून झीलां ने तां उन्हां दा जिहड़ा लोकल नाम है वो क्या है? लोग उन्हां झीलां नूं किस नाम दे नाल जानदे ने बेटा? हाँ यस, तुसी तो सारा कुछ समझ लिया भाई। जसदीप, अंजलि, बहुत अच्छा। हाँ केयाल बेटा, केयाल, यस, गुड गुड। कोमल, जसकरण, रोहानी, बहुत अच्छा बेटा, केयाल चीला। ते एक मैनू दसो भी खारे पानी की झील है जिड़ी कि भारत की सब तो वड्डी झील है, उस झील का नाम क्या है? हाँ जी, ओ वाओ, बच्चे तो बेटा बहुत सुपर हो गए ने, घरे बैठे जो है स्टडी कर रहे ने ऑनलाइन। यस यस, चिल्का झील। हाँ जी, चिल्का झील बेटा खारे पानी दी सब तो वड्डी झील जो है अपने भारत दी है। तो दस सकते हो भी किहड़े राज विच है बेटा चिल्का झील? चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? यस, उड़ीसा। हाँ ठीक है बेटा, उड़ीसा दे विच है। और
उड़ीसा दे विच पूर्वी तट दे मैदानां नूं असीं किस नाम दे नाल जानदे हां? जिहड़े उत्थों दे स्थानक लोग ने। कोमल, बहुत अच्छा बेटा। नवप्रीत, अंजलि, यू आर वेरी सुपर एंड वेरी क्विक ऑल्सो। हर्षदीप, बहुत अच्छा बेटा। हाँ जी, उत्कल दे मैदान बेटा, उड़ा उत्कल ते उड़ा उड़ीसा, पूर्वी तट के मैदानों में असं कहने। चलिए मैं हम थोड़े को कुछ घूम के पूछता। यस, एक द्वीप है एलीफेंटा। ये जरा एलीफेंटा द्वीप है, ये कि लागे है जी? वाओ, मैनू तो लगे भी बच्चे दिक्कत आएगी, पर यह तो मिंट मारे भी बहुत अच्छा। हाँ जी, मुंबई के कोल है बेटा। जवाब बिल्कुल सही है गगन, वेरी नाइस। जसकरण, बहुत अच्छा बेटा। ते जिहड़ी अपने खारे पानी की झील है, चिल्का झील, एदे कोल भी एक द्वीप है बेटा। की तुसी उस द्वीप का नाम जानते हो? हाँ जी कशिश, वाह विकास। हाँ जी कृष्णा, प्रिंस। प्रिंस थोड़ा बेटा जवाब सही नहीं है। चिल्का दे झील कोल जो द्वीप है उसका नाम है बासरा द्वीप। ठीक है जी, बासरा द्वीप, पासरा। हाँ जी पासरा द्वीप बेटा। एक मिनट होर दसो कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवरती है, उसके कुल किन्ने आइलैंड्स है ने? किन्ने आइलैंड्स जो ऑफिशियल जो उन्होंने है बेटा? यस नवप्रीत, बहुत अच्छा बेटा। कृष्णा, लक्ष्मी, रोहानी, सौरव। हाँ जी 34 बेटा, बिल्कुल सही 34। हाँ जी, कृष्णा नदी दे डेल्टे तो लैके कन्याकुमारी तक का जो साडा पूर्वी तट का मैदान है, असी इनू किस नाम दे नाल जानते हाँ? कृष्णा तट जो है, कृष्णा नदी जो है बेटा, ओदे डेल्टे तो लैके कन्याकुमारी तक। यस लक्ष्मी, वेल डन बेटा, एक्सेलेंट। अंजलि, बहुत अच्छा। हाँ जी कोरोमंडल तट बेटा। यस हाँ हर्षप्रीत, बिल्कुल सही जवाब, कोरोमंडल तट। ओके और जी हाँ जी, हुण तुसीं मैनूं दसो, मैं तुहानूं लै चलदा एक इहो जी जगह दे उपर कि जिस जगह नूं आम तौर ते काले पानी दे नाम नाल जाना जांदा सी, जदों साडा देश बेटा गुलाम सी ते साडे बहुत सारे जिहड़े क्रांतिकारी सी उहनां नूं उस जगह दे विच कैद दे विच रखा जांदा सी। और जिहड़ी ओह जेल है बेटा, जो कैद है, उहदा नाम है सैलूलर जेल। वाओ हर्षप्रीत, हाले तक मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं होया, तुसीं नाल दसना भी शुरू कर दिता, बहुत अच्छा। हाँ जी ते मैं तुहानूं लैके जा रहा हाँ अंडेमान ते निकोबार द्वीप समूह दे विच। ते मेरा क्वेश्चन ये है कि अंडेमान निकोबार द्वीप समूह की जिहड़ी सब तों उच्ची चोटी है उहदा नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, क्या गुरु शिखर, या तूपगढ़? हाँ जी बिल्कुल, वाह वाह वेल डन, बहुत तकरीबन बच्चा का जवाब बेटा सही है। हाँ जी सैडल पहाड़ बेटा, प्रिंस सैडल पहाड़। कई बच्चे सैंडल लिख रहे ने, सैंडल नहीं बेटा, सैडल, सैडल पहाड़। ओके ते चलिए बेटा हम समय हो गया है, तो तुम आज की क्लास किमें लगी तुसी जल्दी नाल अपना टाइप करके दस सकते हो बेटा। ते कल आप गल करांगे साडे पंजाब दा, जो साडा अजोका पंजाब है बेटा, ओदे धरातल बारे गल करांगे। ठीक है जी, थैंक यू विकास, थैंक यू हर्षदीप, अंजलि, सौरव, थैंक यू बेटा, थैंक यू नवप्रीत।